बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आप लोगों को इस ई बुक का रिव्यू देने वाली हूँ। ये बुक बहुत बेहतरीन है छोटे बच्चों के लिए। आप इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं 2 साल के बाद। ये बहुत बेहतरीन है जब आपके बच्चा पेंसिल होल्ड करना सीख ले, क्योंकि इसके अंदर जो पेंसिल है वो एज सच वैसी नहीं है कि बच्चे को जो है वो लिखने का कुछ हो, क्योंकि ये सिर्फ प्रेस करने के लिए है। पहले मैं आप लोगों को इसके फंक्शंस बता देती हूँ। तो सेल इसके यहाँ पीछे डलते हैं इधर, ठीक है, और यहाँ पे ये पेज जो है वो आप फिर ओपन हो गया, आप उसको बंद कर लें। सारी इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेल वगैरह आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसका यूज़ करना बताती हूँ, वही जो सब पीछे लिखा है। पेन मैंने निकाल लिया अपने हाथ में, और यहाँ पर ये देखें क्वेश्चन मार्क का बटन है, रिपीट का, वॉल्यूम का, म्यूज़िक का, स्पेलिंग का, वर्ड का, ऑन ऑफ का, और ये इसका स्पीकर लगा हुआ है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। एक ही बटन से ऑन होगा, एक ही बटन से ऑफ होगा। ठीक है, इन्होंने कहा जी वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग गेम एंड यू विल एंजॉय योर टाइम हियर विद मी। तो हम इसको ओपन करते हैं। इस पेज के ऊपर जो भी इस पेज पे बना हुआ है उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जब ऑन कर लिया आपने प्रेस करना है किसी भी गो पे, ठीक है। उसके बाद आपने प्रेस करना है कि आप किस चीज़ पे करना चाह रहे हैं। वर्ड रिपीट करेंगे हम। ए इज फॉर एप्पल, यानी हम प्रेस कर रहे हैं इससे। अब आप स्पेलिंग को देखें, ये स्पेलिंग लर्न करवाएगा। तो ये आपने साउंड के साथ इसके वर्ड्स रिपीट कर लिए। अब हम आगे जाएंगे, ये वही अभी चल रहा है यहाँ पे। फिर आपको पहले अगले पेज पे जाके इसको प्रेस करना होगा। अब ये अगर आप कुछ भी प्रेस नहीं करेंगे, ऐसे ही दबाएंगे, तो ये सिर्फ लेटर का बताएगा। अगर आप रिपीट पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपने भी प्रेस किया हुआ था उसी को रिपीट कर देगा। अच्छा, अगर आप वर्ड पे क्लिक करते हैं इसके वर्ड्स आ जाएंगे सारे के सारे। क्वीन आ गया, और ये देखें सारी इनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले रैबिट पे क्लिक किया था, ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग्स। ये वॉल्यूम का बटन है, या इस, अब देखें जो साउंड आ रही है ये खुद ही ऊंची होगी, और जिस तरह जो इसका साउंड आएगा वो आपको पता लगेगा। आहिस्ता हो रही है, अभी ऊंची हुई थी ये और ऊंची हुई, ये अब आहिस्ता हुई, ये थोड़ी ऊंची हुई, इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आपके बच्चे के लिए ये मैथमेटिक्स आ गया, एक लिहाज से हम इसको पहले गो करेंगे। अगर हम वैसे ही क्लिक करते हैं तो फिंगर से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ज़रूरी नहीं ये हो, लेकिन बच्चे को ज़रा अच्छा लगेगा। तो अब हम इसके वर्ड को देखते हैं। इसमें ना एक फंक्शन है कि 1 2 वही चल रहा है जो है, ठीक है, तो वर्ड का कोई खास फंक्शन नहीं। स्पेलिंग में आता है, और यहाँ पे इन्होंने सारे कुछ जो छोटे मोटे टेबल्स लिखे हुए हैं वो हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, टेबल ही सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, और नंबर्स लिखे हुए हैं 9 तक बेसिकली, तो 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, और फिर उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी आप कह लें कि नंबर्स न्यू बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, वो है एनिमल्स का, और हर एनिमल के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इधर भी आप गो करेंगे, हर पेज पर जाके आपने पहले गो पे क्लिक करना है। अब हम कहेंगे जी आवाज़ों के साथ, ठीक है, स्पेलिंग पे आएंगे,
अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब ये आगे जी फ्रूट्स, फिर इसके ऊपर गो, क्योंकि ये कीवी खुद एक वर्ड है तो आपको वर्ड पे क्लिक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिपीट किया, कीवी को ही रिपीट कर लिया, वही स्पेलिंग को क्लिक किया। पीच, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। अब ये वेजिटेबल्स आ गई। अगर मैं ऐसे क्लिक करूँगी तो ये देखें क्या क्लिक कर रहे हैं, ऑरेंज के स्पेलिंग। ठीक है, इसीलिए पहले आपको गो पे क्लिक करना ही करना है। अच्छा, इसने मशरूम बोला, स्पेलिंग नहीं लिए। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये सर्कल शेप्स और पेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कलर के बारे में बताया है कि किस किस चीज़ का कलर पिंक होता है, किसका पर्पल, वाइट और ब्लैक होता है। यहाँ पे अगर हम पहले गो को क्लिक किया, देखें आप गो जो है ना अलग अलग है, ये इसके नीचे बटन्स लगे हुए हैं। आप देखें यहाँ ऊपर से हमारे थे, अब नीचे आ गए। अगले पेज पे चलते हैं, ये लास्ट पेज है, इसके बिल्कुल एंड पे। यहाँ पे सारे व्हीकल्स वगैरह बने हुए, इनकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ आवाज़ों के साथ। रॉकेट की थोड़ी फनी साउंड उन्होंने दी हुई है, वो ऐसी तो नहीं होती रियल रॉकेट की। उसके बाद बस ये ख़त्म हो गई। अब अगर आपने अब ये इन्होंने क्या किया, इस पेज के ऊपर हमसे सवाल पूछा, कैन यू फाइंड कैरेज, तो बच्चा जो होगा वो कैरेज पे क्लिक करेगा। अब उसने कहा पैराशूट फाइंड करके बताएं, कैरेज, ठीक हो गया। अब जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक ये पूछता रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया और ये हमने इस तरीके से इसको बंद कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है नई चीज़ें सिखाने के लिए बच्चे को। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको एज अ गिफ्ट दे सकते हैं अपने बच्चों को या किसी के बच्चों को दे सकते हैं गिफ्ट, एंड इट्स रियली गुड। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।